बात करती हूँ मैं अपने सर्वेश्वर श्याम की, अपने ठाकुर जी की, उनकी महिमा की। कौन है कृष्ण और कैसे हम उनको पा सकते हैं? क्या है उनकी महिमा? कैसे है उनकी कृपा? सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सीमित शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। कृष्ण होने का अर्थ है कि जिसके लिए हमारे सारे शब्द कम पड़ जाए, सारी उपमाएं छोटी पड़ जाए, जो दूसरों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, मोह ले। एक बार आप उनको ध्यान से बस देख लो, नज़र से नज़र मिल जाए, बस फिर तो आप उनके ही होके रह जाओगे। बाल भाव से बच्चे उनकी तरफ खींचते हैं, प्रौण गांभीर्य भाव से, कांत भाव से गोपियाँ उनको अपना सर्वस्व दे बैठी, तो योगी राज बनकर उन्होंने गोपियों को अपना बना लिया। केवल बाहर ही नहीं अपितु हमें अपने भीतर भी श्री कृष्ण को जन्म देना होगा। कठिनतम परिस्थितियों में भी धर्म रक्षाकृत संकल्प, पग पग पर अधर्म को चुनौती देने का साहस व प्रत्येक कर्म का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना ही वास्तव में हमें अपने कृष्ण को जन्म देना है, अपने अंदर भगवान को प्रकट करना है। आप सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य बोलो, किसी के साथ बुरा मत करो, तो भगवान आप बाहर जिनके दर्शन करने जा रहे हो वो आपको अपने हृदय के अंदर मिल जाएंगे, उनके दर्शन आप अपने अंदर करेंगे। जैसे सीधी सपाट सड़क पर गाड़ी चलाना तो कोई बड़ी कलाकारी नहीं है, कोई भी चला लेगा। कलाकारी है ऊबड़ खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलाना, बिना झटका लगाए कोई व्यक्ति गाड़ी चलाए तो उसको कलाकारी मानी जाती है। तो क्या मतलब हुआ? जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, जो व्यक्ति इन कठिनाइयों से घबरा जाएगा वह जीवन में असफल हो जाएगा, और जो व्यक्ति इन कठिनाइयों में संघर्ष करके जीत लेगा वही वास्तव में जीवन जीने के लिए कलाकार माना जाएगा। तो आज के इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमने अपनी राह से भटकना नहीं है, क्योंकि जब परेशानियां आती हैं तो हमारा विश्वास भगवान से डगमगा जाता है। हम कहते हैं हम इतना सब कुछ करते हैं फिर भी भगवान हमें क्यों परेशानी दे रहे हैं, क्यों हमारी परीक्षा लिए जा रहे हैं, क्यों हमें संकट दे रहे हैं? अरे वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं और वो हमें निखारना चाहते हैं। तो हमें भी उस परीक्षा को बिल्कुल ईमानदारी से देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, सही राह पर चलना है, बेईमानी नहीं करनी है, और देखना एक दिन जीत आपकी ही होगी, बिल्कुल होगी। विश्वास करते हो ना मेरे पर तो बात मानना मेरी। राधे राधे। चलो एक लाइन भजन की गाते हैं आज। अरे मिलेगा मेरी भक्त का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। अरे मिलेगा मुझको भक्ति का वरदान, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू आस कर विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। पर्वत के पीछे बरसाना गाँव, गाँव में किशोरी रहती है, गाँव में किशोरी रहती है। लाडली किशोरी झुको, लाडली किशोरी झुको, राधा राधा नाम ऐसो हर ब्रज वासिन कहती है। राधे राधे।